हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं लेके आ गया अपने यूट्यूब चैनल पर आज मॉर्निंग में कल इवनिंग का ब्लॉग। जैसा कि आप लोग मेरे वीडियो में देख रहे हो, मैं अपने बाइक में अपने कुछ दोस्तों के साथ निकल चुका हूँ अपने पास के एक गांव के फॉरेस्ट में, जो मेरे गांव से ज़्यादा नहीं 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज में एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है सुरई रेंज। और ये पीलीभीत के एक जो दुधवा पार्क है इसी फॉरेस्ट के रेंज में आता है। तो मैं दिखाता हूँ जहाँ से ये रेंज स्टार्ट होता है, वहाँ पर एक छोटा सा ड्यूटी पोस्ट है और यहाँ पर कुछ हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग रात में रहते हैं। तो यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं और मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पर इस समय भारी मात्रा में जंगल में बरसात हो रही हो, तो जो छोटे मोटे टाइगर होते हैं वो निकल के इस जंगलों में किनारे किनारे आ जाते हैं। तो यहाँ पर इनको रोकने के लिए रात में कुछ आतिशबाजी करने के लिए यहाँ पर एक ड्यूटी पोस्ट है। यहाँ पर हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बंदे रहते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोग तभी मैंने दिखाया ड्यूटी पोस्ट, दिखाता हूँ आप लोग के। थोड़े ऊंचाई पे एक लकड़ी का बना रखा है सीढ़ी जैसे, बनाने को ये नीचे भी बना सकते हैं बट नीचे सेफ्टी नहीं है, ऊपर जानवर चढ़ता नहीं है। और यहाँ पर तेंदुआ, टाइगर, हिरन, नील गाय और इटीसी बहुत से एनिमल्स यहाँ पर हैं जिससे खतरा होता है। आप लोगों ने देखा कि यहाँ फेंसिंग भी लगी है और यहाँ पर प्रॉपर रात में आतिशबाजी होती है, पटाखे छोड़े जाते हैं जिससे कि अंदर के जानवर अंदर ही रहें, गांव में ना आए। तो यह बहुत ही सेफ्टी है, एक छोटी सी पोस्ट है बट इससे पूरे गांव की सेफ्टी रहती है। और जैसा कि आप लोग देखते हैं दिन में जानवर नहीं आते, तो यहाँ पर ये थोड़े छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं फूल के जो अच्छे लगते ग्राउंड में, और हम लोग घूमते फिरते दिन में यहाँ बैठते भी हैं और छोटी मोटी एक कोक पार्टी भी हो जाती है हमारी दिन में बैठने या उठने के लिए। यहाँ पर कोई मना नहीं करता, जैसे कि आप लोग देख रहे छोटे छोटे ये पेंट करके फेंसिंग लगा रखे हैं, यहाँ पर छोटे मोटे जानवर नहीं आते अंदर, जैसे जो यहाँ पर ड्यूटी देने वाले हैं इसलिए ये लगाए जाते हैं कि जानवर ना आए। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे दिन में है सोने के लिए छोटा सा इन्होंने बेंच बना रखा है जितना भी समझ में आता है। और उसके बाद जैसे ही मैं आ रहा था घर को वापस, तो ट्रेन आने वाली थी, वो बैरियर डाउन हो गया था जैसा कि मैं पहले वीडियो में दिखाया था। बैरियर ऐसे बहुत अच्छे होते हैं और अभी वह ट्रेन जाएगी तो फिर मैं भी चला जाऊंगा। और दोस्तों ये हमारे इधर सुपर फास्ट ट्रेन है और यह बहुत ही तेज़ी से निकल जाता है, 12-13 में कोच होते हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो बताना आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, ऐसे करिए जैसे ट्रेन जा रही जितनी स्पीड में। थैंक यू।